Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे. आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या डेफिनेटली उनके माइंड पे चल रहा है, क्या इंटेंशंस है, ओके? तो हम उसको वेरीफाई भी करेंगे. ऑलराइट, और लास्ट में ओरेकल कार्ड से आपके लिए स्पेसिफिकली गाइडेंस देंगे. तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं. जो लोग नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सेपरेटेड है और लो कॉन्टैक्ट के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है? आप हस्बैंड वाइफ है तभी भी देख सकते हैं. सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पार्टनर्स जो नो कॉन्टैक्ट में हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बता दीजिए यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स. डिटैच, चैलेंजिंग टाइम्स ये तो होना ही था. फ्लो, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, रिलीज, डेथ कार्ड. देखो साइंस पे मत जाना. हाँ, हेल्पलेस एंड होपलेस वो तो होगा ही. यहाँ पे 11, 5, 10, 1 एंड 13 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो यहाँ पे है लिब्रा, तुला राशि यहाँ पे है एरीज, लियो सजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि यहाँ पे है विला फॉर्चून, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि. यहाँ पे है रिलीज, मैं आपको दिखा दे दी हूँ, दिस इज द रिलीज. सो डेथ कार्ड, ठीक है? इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अच्छा, एट है, एट ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, हेल्पलेस एंड होपलेस. तो आपके पर्सन जब से यहाँ पे पिक्चर ना बहुत ज्यादा क्लियर है, ठीक है? किस तरह से मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे ये इंसान जब से आपकी जिंदगी से, ठीक है, अलग हुए हैं, या जब से ऐसे गलत फहमी आप दोनों के बीच में आया है, या कहीं ना कहीं पे ऐसा हुआ है कि ये इंसान, ठीक है, जब से अपने आप को हाइड करने की कोशिश की है. आपने देखा होगा जब भी ये इंसान, ठीक है, चैट्स में होते थे या कहीं ना कहीं पे आप जब भी इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते थे तो शायद ही आपको अवॉइड करते थे, और आप पहले वो समझ नहीं पाए और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन आप शायद वो कुछ चीज़ कह नहीं पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे. और ये इंसान हमेशा ही अपने आप को ना सुरक्षित महसूस करने के लिए इस तरह से बात कह देते थे, ताकि उनके पास हो सकता है कि ऑप्शंस तभी भी थे और आज भी है. लेकिन अभी ये इंसान जो है, जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है कि ये इंसान अपने ही जिंदगी में खुद उलझे हुए हैं, और काफ़ी ये इनके जो करियर है कुछ खास बिल्कुल नहीं चल रहा है. जहाँ पे भी ये अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज, दैट इज कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं, या उनके बहुत ज़्यादा एजुकेशन होते हुए भी उनके लायक वाला जॉब उनको नहीं मिल रहा है. करियर वाइज डिफ़िकल्टीज है, प्रोफेशनल में डिफ़िकल्टीज है, पर्सनल लाइफ में तो डेफिनेटली है. तो अभी इनको लग रहा है कि समय सबके लिए, मतलब ऐसा नहीं है, अभी वो देख रहे हैं शायद आप उनसे बेटर पोजिशन में हो. मतलब उनको अभी रियलाइज हो रहा है कि वक्त जो है सबके लिए ऐसा नहीं रहता है कि एक ही जैसा. एक वक्त था जब वो आपसे काफ़ी सुपीरियर थे, ठीक है? एक वक्त था जहाँ पे वो अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली मानते थे. एक वक्त था जहाँ पे वो अपने बातों को जानबूझ के ट्विस्ट करना, मैनिपुलेट करना आपसे. मैं क्या बता सकती हूँ, यस, दे यूज टू, यू कैन से लाइक डिप्लोमेटिक रहना, हाँ भी नहीं करना, ना भी नहीं करना. फिर वो आपको बोलते थे, फिर आपकी मन मर्जी, आप अगर
जाना चाहते हो मेरे लाइफ से, वो भी आपका मीन्स आपका मैटर है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी ये इंसान देखो उल्टा हो रहा है इनके साथ। सो व्हील ऑफ फॉर्चून क्या हमें यहाँ पे बताते हैं कि वक्त सबके लिए सही नहीं होता। आज जो चमक रहा है कल वो अंधेरे में भी डूब सकता है। तो कभी भी किसी को भी ईगो या अहंकार या कहीं ना कहीं पे अपने आप को ऐसा सुपीरियर कभी भी नहीं समझने चाहिए। ठीक है, ऐसा होता ही है, हम देखते ही है इन द रियल लाइफ कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होते हैं सबका वक्त ख़त्म होता है, फिर कोई नया आता है, राइट। सो सभी यहाँ पे हमारे देश में भी जितना भी साम्राज्य हुआ है, वो जो भी रूल्स किए हैं हमारे देश में, कभी भी वो सब कुछ टेम्पररी है। जितना भी कोई शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका डाउनफॉल होना ही होता है, फिर वो अप बढ़ता है। लेकिन इन्होंने ऐसा समझ लिया था कि यही हमेशा ही पावरफुल रहेंगे और सब लोग छोटा, मतलब सबको मतलब छोटा समझना, इन्फीरियर समझना उनके कंपैरिजन में, ये बहुत ज़्यादा गंदा चीज़ है। रूड बिहेवियर करना, एरोगेंट हो जाना, बातों बातों पे शो ऑफ करना, इस तरह से अभी ये इंसान आपको अपने जिंदगी में वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान डेथ सिचुएशन, मैंने आपको क्या बताया, सब कुछ का डेथ होता है, मतलब अंत तो होता ही है। शंख देखो बज रहा है, अंत होता है और फिर नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान अभी प्रेजेंटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा है कि ये अभी कौन से दिशा में जाए इनको पता नहीं। ये ऐसी ही इनके माइंड इतना अनस्टेबल हो चुका है, दो डिरेक्शन है इनके पास, ठीक है, शायद ऑप्शंस भी है, लेकिन ये अपने आप को कैद कर रहे हैं। कैन यू सी द पर्सन मूविंग? नो नो नॉट एट ऑल, ना ये यहाँ पे जा पा रहे हैं ना यहाँ पे जा पा रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस एंड होपलेस, मतलब इनको कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपसे उनको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है आप उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे, इस तरह से। तो ऐसा होता है, वक्त सबके लिए सही नहीं रहता। सो अपने पोजीशन पावर का जो इन्होंने इवन इनके करियर में आप अगर पूछ भी लो ना, बहुत मिसयूज़ किए हैं, बहुत मिसयूज़ किया है इसने, ठीक है। सो मैं यही बोलने की कोशिश कर रही थी, अभी मैं वेरीफाई कर लेती हूँ एक एक कार्ड्स को। डिटैच क्यों आया है ये अपनी जिंदगी से, सब कुछ, अभी आजादी इनको चाहिए, अभी इनको कोई भी थर्ड पार्टी से भी शायद इनको बहुत कुछ ऐसा मिल रहा है, डोज मिल रहा है, इंजेक्शंस, तो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। सो डिटैच क्यों आया है यहाँ पे, सो पेशेंस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है यहाँ पे, पेशेंस की कमी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब इनको और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, शायद इस तरह से इनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कुछ चीज़ प्रोडक्टिव बने, उनके आइडियाज काम आ जाए, बहुत बड़े साम्राज्य ये ओपन कर पाए, लेकिन इनका जो सपना था किसी और के साथ सेटल होना, वो हो नहीं पाया। डिटैच है यहाँ पे, उनको जो जस्टिस मिलना था नहीं मिला, ये और भी वेट करेंगे तभी भी उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अन्याय किया है, ठीक है। चैलेंजिंग टाइम्स यहाँ पे क्यों है, व्हाई दिस चैलेंजिंग टाइम्स? पार्टिसिपेशन, देखो चैलेंजिंग टाइम्स इसलिए आया है क्योंकि फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज लियो सजिटेरियस, क्योंकि वो आपसे शादी करने का वादा किया था, या कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो भी आपके साथ, ठीक है, कमिटमेंट निभाना, ठीक है, प्रोमिसेस को फुलफिल करना, वो नहीं किए, और उन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया या जानबूझ के उन्होंने आपको अवॉइड किया, जो भी हुआ, अभी ये ऐसा समझ रहे हैं कि अगर मैं कर लेता, चैलेंजिंग टाइम्स, और देखो फाइव ऑफ वैंड्स यहाँ पे है, फोर ऑफ वैंड्स, अगर वो आपके साथ अच्छा गुड पार्टनरशिप में आ जाते तो शायद आप उनको सपोर्ट कर पाते, ठीक है। यहाँ पे विल ऑफ फॉर्चून क्यों है, सो व्हाई दिस विल ऑफ फॉर्चून, विल ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है,
देखो मैंने आपको बताया क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट की बातों को सोचकर ये अपने ही दिल के ऊपर हाथ थाम के बैठे हैं। हाय हाय मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से क्या हो गया, मैं मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं क्या करूँ। अभी ये काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर को, काफी पजल्ड है ये इंसान, क्या करूँ मैं। होना ही है इनको स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, क्यों आया है यहाँ, वाई दिस स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स हैज कम। लेटिंग गो, ठीक है, एट ऑफ कप्स, इन्होंने अपने रिलेशनशिप, वो जो टॉक्सिक वाला कनेक्शन है, टॉक्सिक वाला कनेक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो वो जो लोटस है वो नहीं है, वो लोटस कौन है, आप हो, ठीक है। अभी वो लोटस नहीं है तो वो वहां पे रह के क्या करे, ठीक है। सो ये जो डेफिनेटली एट ऑफ कप्स इज अ मूवमेंट अवे, ओके, फ्रॉम द डार्कनेस टुवर्ड्स द लाइट, ये आपको अपनी जिंदगी में वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फूल यहाँ पे है, फूल यहाँ पे नहीं है, फूल तो यहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपके रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहते हैं। रिलीज, व्हाई दिस रिलीज, रिलीज क्यों है यहाँ पे, रिलीज क्यों है यहाँ पे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उनको शायद किसी से गाइडेंस मिल चुका है कि ये जो कनेक्शन है आपका या आप अभी जो सिचुएशन है आपका, आप वहां से मूव कर जाओ। यहाँ पे देखो ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द लाइट, और यहाँ पे क्या है आप देखो खुद, लाइट की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब आप उनको कहीं ना कहीं से तो डेफिनेटली एडवाइस मिला होगा कि ये जो इंसान उनके साथ कनेक्टेड थे या जो भी उनके हालात थे, खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं और अभी ये आपके लिए सामने आना चाहते हैं, बिकॉज यू आर द लाइट, यू हैव द हीलिंग पावर। समझ में आ रहा है ना, हेल्पलेस एंड होपलेस क्यों है यहाँ पे, वाई दिस हेल्पलेस एंड होपलेस, हेल्पलेस एंड होपलेस क्यों है यहाँ पे। देखो हेल्पलेस एंड होपलेस तो होगा क्योंकि उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है, शून्य हो गया है उनका दिमाग, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी वो कर नहीं पा रहे, अनस्टेबल माइंड, जिस तरह से होता है ना कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है पेशेंट को, उस तरह से हो गया है। शायद इनको कुछ बात ऐसे पता चला है, हक्के बक्के हो गया, हाँ हो गया ये, इनके लिप्स देखो कुछ काम नहीं कर रहा है इनका। सो मुझे ये देखना है कि फ्यूचर में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन। ये अभी तो ऐसा डेफिनेटली रिग्रेट कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स अगर आपके साथ ये कनेक्शन हो जाता तो सही होता। सो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन। लीड, एम्परर, कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, ओके। सो फोर कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर, तो ये इंसान आपके लिए स्पेशल कुछ मैसेज, कुछ ग्रीटिंग्स, लेकिन शायद ये दिखा नहीं रहे हैं या ऐसा है कि वो उनको दिखाना नहीं है। ये इंसान इस रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचेंगे, रेस्ट एंड रिकंसिडर, लेकिन उनको समय लगेगा, ठीक है, आपको कमिटमेंट देने के लिए। रिफ्यूजिंग टू सी टू ऑफ स्वर्ड्स, कहीं ना कहीं पे वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो उनका एक्शन है, ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरा जो पहलू है वो देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज स्टिल टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ब्लाइंड फोल्डेड का कार्ड होता है ये, बट एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अ न्यू स्टार्ट ऑफ द लाइफ, नजरे आपके ऊपर है और ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए इनकी नज़र जो है वो झुका हुआ है। तो फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट, बिकॉज यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को टाइम लगेगा, बिकॉज ये डबल सिचुएशन में है और आपके पर्सन है ही डबल ढोलकी, इधर भी रहते उधर भी रहते हैं। सो इनके लिए ये कन्फ्यूज पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज। इनको अगर बोले बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा खाना है, ये फिर 100 टाइम सोचेंगे बर्गर में क्या है और पिज़्ज़ा में क्या है। समझ में आ रहा है ना, ओके। सो आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में। गाइडेंस कार्ड प्लीज फॉर माई व्यूअर्स।
the way we were, the swan queen. यहाँ पे है transformation, intuition and patience. थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 13 नंबर इज इम्पोर्टेंट. वहां पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13. 21, द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी एंड कॉम्प्रोमाइज. देखो इस रिलेशनशिप में अगर आप रहना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा. द वे वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट. आपको ये 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टेबिलिटी आपके तरफ आ रहा है, आपको ये समझ जाना चाहिए कि इंसान जो भी हरकत आपके साथ किए है वो एक कर्म है. कर्म का आपको करना पड़ा, सहन करना पड़ा. ठीक है, शायद कोई जन्म में आपने ऐसा कुछ किया होगा, इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करें. और कोई भी हेट्रेड या कोई भी मतलब इस तरह से कुछ बोल देना, कुछ मतलब ऐसा है कि उनको हेट स्पीच दे देना, ऐसा आर्गुमेंट्स करना, वो सब मत करो. ठीक है, उनको माफ़ कर दो. और वो आपके ऊपर होता है कि आप इस इंसान के साथ कनेक्शन रखना चाहोगे कि नहीं, क्योंकि ये इंसान तो शुरुआत करना चाहते हैं. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं, अगर आप नहीं भी करना चाहते तभी भी उनको 2-3 बातें सुना देना, या मतलब ऐसा है ना कि उनको कुछ भी बोल देना, आपने मेरे साथ ऐसा किया तो आपको ऐसे ही होगा, वो सब कुछ चीज़ अवॉइड करना. ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें तो यहाँ पे बदलाव आ रहा है. ओके, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा ही, चाहे इस पर्सन से हो, दूसरा पर्सन से हो. आपके जो रिलेशनशिप है, संबंध है, ठीक है, वो डेफिनेटली बदलेगा. लव लाइफ आपकी बदलेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय.